भारत में शीतकालीन खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए विश्वविद्यालय के साथ गुलमर्ग इसकी अकादमी जम्मू कश्मीर और मध्य कश्मीर ने सहयोग दिया। केवल 3% लोगों को भारत में स्कीइंग के बारे में पता है। स्कीइंग के बारे में जागरूकता फैलाने और गुलमर्ग में शीतकालीन खेलों में भारतीय सहस्कारों को लाने के लिए संगठन द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुलमर्ग स्कीइंग अकादमी स्कूल अपने पाठ्यक्रम और ऑफ साइट स्थलों को विविधता देने के लिए निगमों की पेशकश करते हैं। इस अकादमी द्वारा एक और लोकप्रिय पेशकश बर्फबारी है। ये बर्फ पर योग की प्रक्रिया है। ये एक अलग तरह का यादगार अनुभव है। सुरक्षा के मामले में सेना और सरकार दोनों का पर्याप्त समर्थन रहा है। गुलमर्ग की एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। ये कश्मीर में गुलमर्ग में एस्टेब्लिश की गई है मार्च में, और ये पहली एकेडमी है इंडिया में जो विंटर स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करेगी। ये पहली एकेडमी है दुनिया में जिसको यूनिवर्सिटी ने एक्रेडिट की है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एक्रेडिटेड एकेडमी है हमारी, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और जो बड़े हैं वो विंटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करें, सीखें, और हम चाहते हैं कि हमारे विंटर स्पोर्ट्स को एक नया इंट्रोडक्शन मिले अभी के इस टाइम पे, और हमारे एकेडमी से बच्चे नेशनल्स और विंटर ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करें। थैंक यू वेरी मच। का जो यहाँ पे प्रोग्राम था 3 दिन का, उसका बेसिक मुद्दा ये है कि हमने अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट करने का है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये फोकस रहा है कि जो रॉन्ग परसेप्शन है कश्मीर के बारे में कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, वहां जा नहीं सकते। मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से, मैं लोगों तक ये बताना चाहता हूं कि कोई भी आदमी किसी भी वक्त दिन रात, चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, छोटी बेटी हो, वो कश्मीर आ सकते हैं। खुल के हर जगह, पूरा कश्मीर उनका है, वो कहीं पूरे कश्मीर में घूम सकते हैं। हमारे पास इतनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हमारे पास जम्मू कश्मीर में तकरीबन 400 से ज्यादा मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें हमारा पिलग्रिम टूरिज्म, जिसमें हमारा लेजर, जिसमें घूमने के लिए आते हैं, हमारा एडवेंचर टूरिज्म, हमारा जो है बाकी जो टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज है उनके लिए आ सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि जिसने कश्मीर नहीं देखा उसने लाइफ में कुछ भी नहीं देखा। मेरी गुजारिश है सब लोगों से, सब वासियों से जो यहाँ गुजरात के हैं, वो आए जम्मू व कश्मीर, लद्दाख जाएं, जहां भी जाना चाहते हैं, बिना रोक टोक के, बिना किसी का ये के कि भाई कोई वहां पे हालात खराब है। बिल्कुल, मैं खुद यहां आया हूं लोगों को दावत देने के लिए, एंड हमने ये कोशिश करनी है कि हर आदमी को जो यहां से गुजरात के बहुत सारे लोग वहां आते हैं कि हम उनको ओपन हैंड्स विद अ बंच ऑफ फ्लावर्स वी विल रिसीव दोज गेस्ट। तो इसलिए मेरी गुजारिश है यहां के लोगों से, आप आए, खुल के घूम सकते हैं, इतनी जगह है। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता अश्विन लिम्बाचे की खास रिपोर्ट।